बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस यानी साड़ों की ऐसी कौन कौन सी साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमें नज़र आती हैं। बज़ाहिर देखने से पता चलता है कि ये मैस्टाइटिस है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देर इज़ अ चेंज इन अडर साइज। हैवाने की सोजिश होती है, हैवाने का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है। एक्यूट केसेस में जिसमें बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इसमें अडर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि क्रोनिक केसेस में ये साइज़ दोबारा कम हो जाता है। कम होने की दो वजूहत होती हैं, या तो इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और अडर के टिश्यूज़ की एट्रॉफी होती है, तो इसमें अल्टीमेटली जो साइज़ होता है वो बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक केसेस में कम हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अडर की कंसिस्टेंसी के बारे में। अडर की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन जो है वो एक्यूट टाइप का है या क्रोनिक टाइप का है। स्टार्ट में एक्यूट केसेस में ये सॉफ्ट होता है, समटाइम्स ये हार्ड भी होता है। हार्ड होना ये इन्फ्लेमेशन को जाहिर करता है। इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा है तो ये हार्ड होने के साथ साथ बाद में हार्ड भी यानी सख्त भी हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेजेस में हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, एक्यूट मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये क्रोनिक में शिफ्ट हो जाएगी। क्रोनिक में ये हार्ड हो जाती है ड्यू टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस होने की वजह से अडर की कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इन केसेस ऑफ इंडोजिनस स्प्रेड लाइक ईकोलाई, समटाइम्स ईकोलाई में इन्फेक्शन में इसके अलावा भी इन्फेक्शन हैं, लेकिन मोस्टली ईकोलाई में सिस्टेमिक रिएक्शन शो होता है जिसमें एनिमल का बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है, जानवर डिप्रेस हो जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। ये सब कुछ टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से होता है। टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिन्स जाके बॉडी में सिस्टेमिक डैमेज काज करते हैं और अल्टीमेटली जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी राइज हो जाता है और सिस्टेमिक साइंस सिम्टम्स शो होती हैं। अगर हम कंपेयर करें ईकोलाई के इन्फेक्शन को स्ट्रेप्टोकोकस आरियस के इन्फेक्शन के साथ, तो स्ट्रेप्टोकोकस आरियस इन्फेक्शन में राइज इन टेम्परेचर होता है बिल्कुल स्टार्ट वाले स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोलेबल है, जबकि ईकोलाई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एनिमल में टेम्परेचर के राइज होने की वजह से डिप्रेशन आती है, खाना पीना जानवर छोड़ जाता है और इन्फेक्शन सीवियर टाइप का होता है। साइंस एंड सिम्टम्स की बेस पे हम इन्फेक्शन को कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद हम इसकी मेडिकेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन में अगर हम देखें तो अडर की स्वेलिंग होती है, वहाँ पे हीट हो सकती है, हार्डनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, एनिमल पेन फील कर सकता है। और अगर हम अपेरेंस देखें तो मिल्की नॉर्मल जो कलर होता है उससे डेब्यूट होके वाटरी अपेरेंस हो सकती है, वहाँ पे मिल्क में फ्लेक्स आ सकते हैं, क्लॉट्स आ सकते हैं और पस मौजूद हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैस्टाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।